निकल चुका हूँ मैं अपने घर से। और गाइस मैं जो अभी व्लॉग्स जो है वो नहीं डाल पा रहा हूँ वो इसलिए, फिर आप रोड्स देखिए इस टाइप के रोड्स में गाइस मैं अपने बाइक्स को निकालूँ तो निकालूँ कैसे बाहर, आप देख ही पा रहे हैं। इकलौती मेरी बाइक है ये जो इस टाइप के कंडीशंस में निकल सकती है। मतलब मेरा जो घर है ना अभी बेसिकली कबाड़ खाना बना पड़ा है। दैट्स वाइज गाइस मतलब जो अपनी भूसा है उसको मैंने लास्ट आई थिंक 1 मंथ से राइड नहीं किया है, बस रीज़न यही है। अब देखिए अब इस टाइप के रोड्स में कहाँ से निकलेगी अपनी भूसा यार, चक्का स्किड करेगा गिर जाना है। सो गाइस ये रहा हम लोग का लाइनअप, सिद्धार्थ के डोमिनार, दिस वन इज आवर 390 एडवेंचर, और ये रही पृथ्वी के डोमिनार। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप की ओर जो कि है होटल महाविहार, एंड यहाँ पर हम लोग कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाना वाना खा करके निकलेंगे। ओ इंटरकॉम फेल्ड। सो गाइस राइड जो है वो हो चुकी है स्टार्ट आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, और जैसा कि आप देख सकते हैं सिद्धार्थ ने अपने जैकेट जो है वो खोल के हटा दिया है। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट स्टॉप जो है मोस्ट प्रोबेबली 100 किलोमीटर्स के अराउंड का ही होएगा। क्या हो गया गाइज? हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बिहार शरीफ, और मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो इतना खूबसूरत सा एक छोटा सा पहाड़ है इधर, और उसके ऊपर में एक आई थिंक कोई गुंबज टाइप का कुछ है। तो हम लोगों ने 75 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया है, और टोटल हम लोग का जो ट्रिप होने वाला है वो अराउंड 400 किलोमीटर्स का है, विच मीन्स 325 किलोमीटर्स मोर टू गो। बट यार यहाँ पे लोग बिल्कुल ही अजीब टाइप से बाइक और कार राइड कर रहे हैं, एकदम लिटरली अजीब टाइप से। और गाइस बिहार शरीफ में थोड़ा सा जाम में पड़ रहे हम लोग। गाइस हालत लिटरली हो चुकी है ख़राब मेरी, बिकॉज एक तो गर्मी है, ऊपर से मैंने पूरा सूटअप हो रखा हूँ मैं, एंड ये जो धूप है लिटरली मेरे पसीने छूट चुके हैं इतने ज़्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ। बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो रही है धीरे, और उसके बाद ये जैम। ओ भाई गाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 130 किलोमीटर्स, एंड एज यू कैन सी हिल्स जो है वो दिखने स्टार्ट हो चुके हैं सामने मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, पूरा रेंज जो है हिल्स का वो सब दिखना स्टार्ट हो गया है। और गाइज हम लोग जो है उन्हीं हिल्स के बीच से निकलते हुए जाएंगे, मतलब कि घाटी में हम लोग ड्राइव करेंगे आराम से। आई डोंट नो कि वहाँ का जो रोड्स है वो कैसे होंगे, तो लास्ट टाइम जब मैं गया था रांची, जब मैं गया था और अपनी हयाबूसा से जो गया था, रोड्स गाइस बहुत ही ख़राब थे, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा।
मतलब सोलो ट्रिप करा था मैंने, और लिटरली बता रहा हूँ मैं, तो वाट लग गई थी मेरी। अब ऑफ रोडिंग इसी में तो मज़ा है इस बाइक का। वो तो इस बाइक में ना ऑफ रोडिंग करने का अलग ही मज़ा है। मतलब मस्त खड़े हो जाओ, अपने नी से टैंक को हल्का सा ग्रैप कर लो एंड देन जस्ट स्टार्ट। और अपनी जो बाइक है ना गाइस, आप सेकंड गियर पर ही रखो एंड देन आराम से बाइक जो है वो आपको ऑफ रोडिंग करवाएगी। और जो हैंडल है ना उसको ट्राई कीजिए कि वो स्टेबल रहे। और हम लोग लेने वाले हैं अब एक छोटा सा चाय ब्रेक। नवादा फैमिली रेस्टोरेंट, ओके। सो गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी चाय ब्रेक हम लोग का हो चुका है ख़त्म। और आकाश जो है वो चलाएगा अभी रेड डोमिनार, लाल इसका फेवरेट कलर है, तो चला जाए। जैसे गाइस मैं पहाड़ों के नज़दीक जा रहा हूँ, मेरी एक्साइटमेंट जो है वो उतनी ज़्यादा ही बढ़ रही है। बिकॉज जैसा कि आप लोगों ने मेरी जो पुराने वीडियोज़ है उसमें देखा रहेगा तो आपको पता होगा कि मुझे हिल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हिल्स जो है बस आई थिंक 20-25 किलोमीटर के बाद हिल्स वाला जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आएगा गाइस रियल मज़ा। तो घाटी में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है, और हिल्स में तो खैर क्या ही कहना है, इतना सुंदर दिख रहा है वो। पता नहीं क्यों बट मुझे हिल्स से लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये मिला ऑफ रोडिंग, मतलब एडवेंचर पे जब मैं हूँ ना गई तो टूटी रोड देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। मतलब आई डोंट केयर कि ये रोड टूटी है या फिर अच्छी है, इफ आई हैव अ पावरफुल एडवेंचर। और बस कुछ ही पल में गाइस मैं रहूँगा इन पहाड़ों के बीच। जो वो जो घर है गाइस मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा कितना मज़ा आता रहेगा इन लोगों के साथ में रहने में। और भाई साहब देखते हुए कि खड़ा होकर स्टंट मार रहा है, भाई स्टंट नहीं मार रहे हैं, बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है। कितना सुंदर हिल है ये। सो गाइस हम लोग जो है अब झारखंड में एंट्री करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे सामने चेक पोस्ट है एंड देन वो चेक पोस्ट बस क्रॉस करिए एंड देन वेलकम टू झारखंड। सो गाइस फाइनली मैं हिल्स में पहुँच चुका हूँ। अरे यार वो तो बाइक थे तो साइड से, अबे गधे उठ जा। चलिए ऑफ रोडिंग किया जाए, क्योंकि रोड्स पे तो ट्रक पार्क्ड है।
सो गाइस, अब जो है यहाँ झारखंड में हम लोग एंटर करने वाले हैं अभी जस्ट। अब सामने देख सकते हैं, झारखंड राज्य में आपका स्वागत है। तो चलिए, बस स्वागत हो गया हमारा झारखंड राज्य में। सो गाइस, ये रहा कोडरमा घाटी, जहाँ से अभी ये जो घाटी है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है पूरा का पूरा। एंड रोड्स के कंडीशन तो कोई मतलब है नहीं हमें, और अपने पास है 390 एडवेंचर। और गाइस, ये जो घाटी है ना, ये जब हम लोग क्रॉस कर लेंगे पूरा का पूरा, उसके बाद वहाँ से हाईवे के लिए टर्न लेंगे हम लोग। और गाइस, अभी चल रहा है रेनी सीज़न, तो जो घाटी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन ग्रीन प्रॉपर आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और गाइस, इस घाटी में ना आपको कर्व्स जो हैं वो काफ़ी प्यारे प्यारे मिलेंगे, मतलब कि अगर आप चाहें और रोड का कंडीशन अगर उस कर्व पे अच्छा रहा, तो आप आराम से आप अपना नी टच करा करके निकाल सकते हैं यहाँ से। एक टाइम मैंने इस पे अपनी जो भूसा है गाइस, उस पे मैंने ट्राई करा था, बट नी तो टच नहीं करा पाया था, बट यस लीन किया था प्रॉपर। कोडरमा घाटी की जो कंडीशन है वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आई डोंट नो कि आप लोगों को कैमरे में प्रॉपरली दिख रहा होएगा कि नहीं होएगा, बट गाइस रोड है ही नहीं अब, यही है रोड, उसके बाद धूल। अरे यार, धूल तो इतना भयानक है ना। और गाइस, ट्रक के पीछे एकदम नहीं चले वरना, अरे यार निकलने तो दो। अरे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गया था, थोड़ा सा करा के ऑफ रोडिंग। फक फक, सॉरी फॉर द बैड वर्ड, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। अगर आपके पास सेडान है मत आइएगा इस रोड पे, और लिटरली नो रोड। ये रहा सिद्धार्थ आ गए। क्या नाम था? नाश गराज, NASH, NASH। हम ग्लव्स पहने हुए, NASH, NASH, स्पेस दीजिए, गराज, GARAGE। चलिए मिलते हैं, आएगा आएगा।
सो गाइस एक्चुअली अभी एक मुझे रडमा घाट से जब क्रॉस कर लिया मैंने, और उसके बाद जैसा कि आपने वीडियो में दिखाई रहेगा एक सब्सक्राइबर मिला मेरा जो कि रिकॉग्नाइज करा मुझे। यार सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है जब आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो है हम लोगों का जो अंदर से जो हौसला होता है वो बढ़ जाता है, और कि यस और वीडियोस बनाएंगे। तो बस गाइस उसी में लगा हुआ हूँ मैं, सो डैट मैं तो सपना है गाइस कि मेरा पूरा इंडिया के लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें कि हाँ एक नैश गैराज करके है बिहार का। तो वो सपना है गाइस अपना एक। ये देखिए गाइस सीन क्या प्यारा दिख रहा है सीन यहाँ का, मतलब अलग लेवल की खूबसूरती है यहाँ पे और शांति भी। यही सब चीज देखने के लिए ना आई राइड। तो कार में क्या होता है कि आप अपने बस जिस साइड पे आप बैठे हो बस आप उसी साइड का देख सकते हो, वरना पूरा घूम करके आपको देखना पड़ता है। बट इन बाइक आप आराम से देख सकते हो। क्या सीन आ रहा है यहाँ से यार, क्या ही प्यारा व्यू है यहाँ यहाँ का। क्या सीन है यार, पहले ऐसा नहीं था लगता ये। हाँ उसके बाद पैसा हुआ, टूटा है ये पूरा, यहाँ पर रोड पतला हुआ। हाँ हाँ यार बिल्कुल। क्या हुआ? अरे जी फाइनली फोटो शूट हो चुका है खत्म, तो अब चला जाए। ये देखिए इतना सही दिख रहा है ये। शिट बारिश आ चुकी है। अरे ये कहाँ आ रहा है, कोई सेंस ही नहीं है, जल्दी से भागना पड़ेगा। तो ये जो बाइक है अपनी ऑफ रोडिंग के लिए तो बहुत ही अच्छी है, प्लस हाईवे पे क्रूज करने के लिए भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है ये। मतलब कि अराउंड मैं 100-120 के स्पीड पे क्रूज कर रहा हूँ इसको, बट हाँ थोड़ा सा वाइब्रेशन जो है वो फील हो रहा है मुझे मेरे दोनों फुट पे, बट ठीक है। बाकी बाइक की जो स्टेबिलिटी अगर देखेंगे काफ़ी अच्छी है। Thank you.
हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। क्या बात है, करना है। कैमरा लगा हुआ है। अरे आप लोग क्या जॉब कर रहे हो? हाँ, मैंने आप लोग क्या जॉब करते हैं? जॉब मेरा बिजनेस है, रेस्टोरेंट है मेरा। हाँ? पटना में मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है। रेस्टोरेंट? बस भाई यही नाम है। यूट्यूब देखते हैं? यूट्यूब अभी देख लेते हैं। वाह देख लीजिए। चलो जी चलो। अरे हम भी थे ऊपर, लेकिन क्या करे, गिर गए नीचे। ठीक है, एक बार हम आपको याद करेंगे। वो रेस्टोरेंट खोल रहा है हम लोग का, खोज करते हुए रिसोर्ट खोल रहे हैं। मौका मिलेगा तो नंबर ले लो। तो नहीं, नंबर नहीं देंगे अपना, छोड़ दीजिए। अरे ऐसा बजरप्पा मंदिर रोड में है, बजरप्पा आते हैं? नहीं नहीं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, इस तरीके के बात किए जाते हैं हम लोगों के साथ में जब जब हम लोग कहीं पे स्टॉपेज लेते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली हेडलाइट्स, हेडलैम्प्स वगैरह की क्लीनिंग हो चुकी है। सिद्धार्थ शर्मा की बाइक पूरी चमक चुकी है। अब पृथ्वी जो है वो अपनी बाइक को चमका चुका है, और सिद्धार्थ शर्मा फ़ोन में कुछ कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहा है। चलोगे यार? अब हो गया, चलो। राइड जो है वो हो चुकी है वापस स्टार्ट, एंड लास्ट 60 किलोमीटर्स है। और बोकारो जहाँ पर हम लोग का डेस्टिनेशन है, और लाइट्स, रोड पूरा चमक रहा है। और सिद्धार्थ शर्मा भी पीछे से अपना लाइट जला दिया। मतलब लोड नहीं है अब, ये बात कंफर्म है। अब रात हो जाए हो जाए, लेकिन लाइट्स का प्रॉब्लम नहीं है। और सारे के सारे मेरे में भी लगा हुआ है। मेरे में तो 4 फॉग लाइट्स लगे हुए हैं। सिद्धार्थ में 2 लगे हुए हैं, एंड देन पीछे जो पृथ्वी है उसका भी 2 लगा हुआ है। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली बोकारो, और यहाँ पे हम लोग का गाइस ट्रिप ख़त्म होता है। हेरा घर गाइस मेरे फ्रेंड का, जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं अगले एक दिनों तक। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, राइड सेफ एंड टेक केयर।